पागलों की तरह बाग में पड़ी पड़ी बेटा को बुला रही है। तब तक उसी बाग का माली आया। माली ने देखा कि भैया पागलों की तरह बाग में चीख रही है, तो माली बोला कि बहना तुम्हारे बेटे को किसी नाग ने खाया है, जाके लाश फट जाएगी, ना मरघट में ले जाओ। लेकिन भैया तारा की क्या हालात है महाराज। मैया बगिया मीरो भी पड़ी आज कैसी की आई घड़ी। मैया बगिया मीरो में पड़ी आज कैसी हो गया। एक तू ही तो मेरे जीने का इशारा था बेटा। अब तुम ही बताओ बेटा ये मैया कहाँ जाएगी। जब सुनेगी तुम्हारे पिता मैया क्या कहेगी बतलाए। जब सुनेगी तुम्हारे पिता मैया क्या कहेगी बतलाएगी। संकट की आई घड़ी संकट की आई घड़ी भैया बगिया बिलो बच्चे की लाश पर नाना भाती शिरोधन करती है। और माली ने कहा कि बहन रोने से बच्चा वापस नहीं आने वाला है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, इस बच्चे को बहन मरघट में ले जाओ वरना इस बच्चे की लाश फट जाएगी, इसे ले जाओ। भैया माली के कहने पर भैया ने बच्चे को गोद उठाया। जो साड़ी पहने थी उस साड़ी में से आधी साड़ी फार करके बेटा को उड़ा दी, आधी साड़ी से अपना अंग ढक लिया, बच्चे को लेकर के चली और कहती जा रही है हंसा उड़ी चली अपने देश पे। हंसा उड़ी चली अपनी देश हियन पे कोई न अपनो एक दिन बिजबी दिन भिड बीता को बाप रोई रो बैठो दहरी बीता को दी में कोई नीर नीर खो कोई दिवैया
कदन बिन बेटा की मात रोई रही बैठी आंगन में। एक दिन बिन बेटा की मात रोई रही बैठी आंगन में। बेटा लेकर के भैया तारा रोती ही बरगद पे पहुंची।